गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज अदिति पांडे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू रीड सिटेशन। अच्छा, सिटेशन क्या होता है? आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जिनके नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, केशव नंदा भारती केस वीएस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में ना एक्चुअली ये नीचे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगर आप रियल देखेंगे तो क्या लिखा है इसके नीचे, देखिए 1973, ठीक है, और फिर 4SSC और फिर 225। तो आखिर इतनी सारी चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है? ये कोई ना कोई कोडवर्ड तो होगा ही ना। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा कोडवर्ड है ये। और हाँ, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है, ये भी सीक्रेट, मैं सिर्फ आप लोगों को ही बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सीक्रेट ये है कि जिस तरीके से कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी न्यूज़ चैनल पे आज एक न्यूज़ देखी या वेबसाइट पे देखी, तो कल आपको वही न्यूज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश करके दिखाई जाती है, देखते हैं ना आप। तो उसी तरीके से जो भी जजमेंट्स होती हैं ना, उन्हें भी पब्लिश किया जाता है। अब उन्हें दैनिक जागरण से तो पब्लिश करा नहीं सकते हम, क्योंकि पेपर में अगर ये सब आने लगेगा तो क्या कोई पेपर पढ़ेगा क्या? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा पेपर, जब तक पेपर में वो स्पोर्ट वाला सेक्शन ना हो, वो आर्टिकल वाला सेक्शन ना हो, वो कहानी वाला ना हो, वो सारे सेक्शंस ना हो, तब तक उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए उसे पब्लिश करने के लिए ना कुछ स्पेशल कंपनियाँ भी हैं जो उसे पब्लिश करती हैं और जो उसे वही पब्लिश करती हैं। तो आइए कुछ उन कंपनीज़ के नाम जान जाते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। सबसे पहला तो है AIR। कौन सा है? AIR। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रिपोर्टर। याद रखिएगा कि ये एक नागपुर बेस्ड कंपनी है, यानी कि ये नागपुर में, ठीक है। दूसरा है SSC। आपने इसमें भी देखा SSC, तो इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट केसेस, और ये लखनऊ बेस है। और थर्ड में आता है COMPLJ, यानी कि कंपनी लॉ जर्नल। और भी कई सारे जैसे कि CLJ है, LLJ है। अब CLJ का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल लॉ जर्नल। और LLJ का मतलब होता है लेबर लॉ जर्नल। एंड मेनी मोर, सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, जैसे सारे जितने भी जजमेंट्स आए सब कुछ तो एक साथ ही तो नहीं ना बना सकते, तो ये कई सारे वॉल्यूम्स में करते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स भी हैं ना, कई सारे वॉल्यूम्स में आती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग भी जजमेंट को जब पब्लिश करते हैं तो उसे कई सारे वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं। तो अब आइए आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि सिटेशन को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहले क्या लिखा था, 1973 लिखा था, फिर हमने लिखा था 4, फिर हमने लिखा था SSC, फिर लिखा था 225, ठीक है। तो अब 1973 तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ईयर ऑफ जजमेंट को बताता है, यानी कि जिस वर्ष में ये जजमेंट आई थी, ठीक है। अब ये 4 क्या है? ये 4 बताता है कि किस वॉल्यूम में आपको ये मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि जजमेंट जो है ये वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है, कि वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 2 में है, वॉल्यूम 3 में है, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये SSC आपको क्या बताएगा? सुप्रीम कोर्ट केस, यानी कि इसका पब्लिशर कौन है, इसे पब्लिश किसने किया है। एंड द 4th वन इज़ 225। तो 225 है पेज नंबर। क्या है 225? पेज नंबर। यानी कि SSC यानी कि सुप्रीम कोर्ट केस जर्नल की 4th वॉल्यूम की 225 पेज नंबर की बुक में 1973 ईयर ऑफ जजमेंट में आपको केशव नंदा भारती VS स्टेट ऑफ केरला केस के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। कितना आसान हो गया ना? और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। अब आप कुछ केसेस करके बताइएगा। आप नीचे कोई केस लिखिए और उसकी इस तरीके से पूरे साइटेशन को लिखिए और बताइए कि उसका ईयर ऑफ जजमेंट कौन सा है, कौन सी वॉल्यूम से लिया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज़ जस्टिस KS पुट्टस्वामी
VS यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसके नीचे क्या लिखा है, 2017 10 SSC एंड 1। तो अब आप हमें बताइएगा कि आप इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, केस का नाम क्या है, जस्टिस KS पुट्टस्वामी। ठीक है, पुट्टस्वामी VS यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो आप इसे जल्दी से नीचे सॉल्व कीजिए और देखते हैं कि किसका सही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, सबको लाइक करना है और शेयर करना है और किसी और को बताना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।